गाइज वेलकम टू माई चैनल, कैसे हो आप सभी लोग। आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्पल हॉल। हाँ जी गाइज, मैंने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे तो मैंने सोचा चलो जब मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे तो इसके एक हॉल वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँ। तो पहले मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में दिखाऊंगी उन में से किसी भी प्रोडक्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने जैसे बोल ही दिया आपको कि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से अपने लिए लिए हैं, अपने पैसों से लिए हैं। मुझे पर्पल की वेबसाइट मुझे पर्पल की साइट से ये नहीं मतलब मिला है, क्योंकि काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि तुम उस वेबसाइट को प्रमोट कर रही हो या उस ऐप को प्रमोट कर रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो मैंने चीजें ली है उस हॉल वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब वो मैं इसीलिए कर रही हूँ कि जिस किसी को भी ये चीजें लेनी होगी तो उन लोगों को आसानी से इन चीजों के बारे में नॉलेज हो जाएगा और आप और इन चीजों को अगर उन लोगों को लेना होगा तो वो लोग भी ले सकते हैं। बट मैंने आपको जैसे बताई दिया, मैं लिंक यहाँ पे आप लोगों को नहीं दूंगी, तो को जो भी प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी उनके बेसिस पे आप लोग किसी भी वेबसाइट पर जाके, चाहे अमेजोन हो, पर्पल हो या फिर कोई भी फ्लिपकार्ट, जिस भी वेबसाइट पे आप लोग कंफर्टेबल हो आप लोग वहां से इसे ले सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट पर्पल से लिए हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये मेरे पास पर्पल का बॉक्स है और इतने सारे मैंने इसमें प्रोडक्ट लिए हुए हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीजें मैंने पर्पल से मंगाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये है ब्लू हेवन का मेकअप ट्रांसक्लेट पाउडर, यानी कि लूज पाउडर। इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी गाइस, क्योंकि जब भी मैं मेकअप करती थी लूज पाउडर मुझे चाहिए ही चाहिए था, बट मेरे पास था नहीं, तो मैंने इस लूज पाउडर को ले लिया है। तो कुछ इस तरीके का ये लूज पाउडर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसकी कंपनी का नाम दिख रहा होगा, ब्लू हेवन का है ये, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है गाइस ऑसम है, ऑसम बहुत ज्यादा अच्छी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसकी पैकिंग मिलेगी। इसमें उन्होंने एक प्लास्टिक का ये पेपर लगाया हुआ, इसे निकाल के आप लोग ये तो ब्रश की हेल्प से या फिर ये एक स्पॉन्सर दे देते हैं, इसकी हेल्प से आप लोग अपने फेस पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर हम इस पाउडर को लगाते हैं तो ये पाउडर हमारे फेस को मैट फिनिश देता है, साथ ही साथ एक नेचुरल मतलब लुक भी हमारे फेस को देता है। तो ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। जब मैंने इसे लिया था ये मुझे 94 का प्राइस का मिला था, बट मे बी अभी कुछ ऑफर चल रहे होंगे इस पे तो आप लोग इसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट ये चीज मैंने ली हुई है। वही गाइस जो मैंने दूसरी चीज ली है वो है ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है। और अगर मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके की, इसके अंदर इस तरीके की पैकिंग रहती है। यहाँ पे आप लोगों को एक स्पॉन्जर मिल जाएगा ये फेस पे लगाने के लिए, ये देखिए, साथ ही साथ ये देखिए ये लिया है मैंने ब्लशर, क्योंकि मेरे पास ब्लशर नहीं था। जैसे कि मैंने आपको अपनी मे भी बताया होगा मैंने किसी मेकअप वीडियो में कि मेरे पास ब्लशर नहीं है और मैं आई शेडो से ही ब्लशर लगाती थी, बट जब मैं मेकअप वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ब्लशर की भी तो जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने अपने लिए मतलब जरूरी समझा कि मैं ब्लशर ले लूँ। तो कुछ इस तरीके की इसके अंदर पैकेजिंग है, ये देखिए एक ये प्लास्टिक इस पे लगा हुआ है और कुछ इस तरीके का ये ब्लशर है। आप लोग सोचेंगे कि ये बीच में क्या हो गया, तो मैंने ट्राई किया था, मैंने थोड़ा देखा था तो इस वजह से इस तरीके का हो गया है। सो ये भी मुझे काफी अच्छी रेंज में मिल गया था। मैंने यहाँ पे ज्यादा मतलब हाई रेंज के नहीं लिए हुए हैं, नॉर्मली यहाँ पे मैंने कोई भी चीज ज्यादा हाई रेंज के नहीं ली है, सही रेंज में मुझे मिल गई थी इसलिए मैंने ये अपने लिए परचेज कर ली थी गाइस। वहीं गाइस तीसरी चीज जो मैंने ली है वो है NYBA का लिक्विड फाउंडेशन। ये देखिए, क्योंकि मेकअप में फाउंडेशन तो चाहिए ही चाहिए होता है, मैं सीसी क्रीम से ही अपना काम चला लेती हूँ, बट फाउंडेशन भी जरूरी होता है। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ही आता है, और अगर इसे हम खोलेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके की ये बॉटल है, इस तरीके की पैकेजिंग में हमें ये फाउंडेशन मिलेगा। और ये फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथनिंग है, नर्सिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हो आप इसके बारे में। और ये भी गाइस ऑल स्किन टाइप है, मैंने जो भी चीजें ली है ऑल स्किन टाइप ली, ऐसा नहीं कि ऑयली स्किन के लिए, मेरी ऑयली स्किन है बट मैं फिर भी जो भी प्रोडक्ट लेती हूँ ऑल स्किन टाइप के लेती हूँ। और जो मेरा शेड है वो आप लोग देख सकते हैं, मेरा शेड नंबर है 1, ये 1 शेड नंबर है। सो ये भी मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिल गया था। और यहाँ पे आप लोग को सब कुछ इसके बारे में दिख जाएगा कि ये किस तरीके से हमारे फेस को, यहाँ पे आप लोग को सब कुछ दिख जाएगा कि ये किस तरीके के हमारे फेस को सही रखता है और किस तरीके से ये हमारे फेस में ब्लेंड होता है।
अब मैं बात करती हूँ चौथी चीज की। तो चौथी चीज की मंगाई है मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा। आप लोग सोचेंगे मैंने सारे प्रोडक्ट तो ब्लू हेवन के मंगाए, क्योंकि मेरे को मैं काफी टाइम से ब्लू हेवन के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो मुझे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट ही अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने ब्लू हेवन के लिए। तो ये मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लिया हुआ है और काफी अच्छा मस्कारा है, क्योंकि मैं पहले भी एक बार इसे ट्राई कर चुकी हूँ तो मुझे अच्छा लगा, और ये भी मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिल गया था। सो चौथी चीज ये मंगाई है। वहीं जो अगली चीज मैंने मंगाई है वो है आई शेडो ब्रश। ये मैंने इस वजह से मंगाया, आप लोग सोचेंगे मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ब्रश मंगाए हुए हैं, बट वो जो आई शेडो के उसमें ब्रश है वो थोड़ा सा मुझे मतलब अनकंफर्टेबल होता है जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये अलग सा मंगाया हुआ है। और ये बीबी कंपनी का यार बहुत ही ज्यादा अच्छा ये ब्रश है, इसका रिव्यू जब मैंने देखे तो काफी अच्छे इस पे मतलब स्टार मिले हुए थे, तो इस वजह से मैंने इसे लिया। ये भी मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिल गया था। वही नेक्स्ट चीज जो मैंने ली है वो है ट्रेसेमे का कंडीशनर, और ये है केराटिन स्मूथ कंडीशनर। ये गाइस मैंने इसलिए लिया है कि जैसे मैंने आपको बताया है मुझे हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो अभी मैं जो शैम्पू यूज कर रही हूँ वो भी काफी अच्छा शैम्पू है, बायोटिक का शैम्पू मैं यूज कर रही हूँ, उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगी। बट मुझे एक ऐसा कंडीशनर चाहिए था जो मेरे बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर दे, मेरे बालों की जो ग्रोथ है उसे अच्छी कर दे और बालों को बिल्कुल भी टूटने न दे। तो मुझे ये कंडीशनर दिखा और इसके जो मैंने रिव्यू पढ़े इसके बारे में पढ़ा तो काफी अच्छा था, इस वजह से मैंने इसे अपने लिए इसे मंगा लिया है। और ये भी मुझे 190 ml मतलब 190 ml का बॉटल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सो ये मिला हुआ है। देखती हूँ इसको ट्राई करने के बाद इसका रिव्यू भी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। वहीं गाइज नेक्स्ट चीज जो मैंने ली है वो फिर से मैंने NYB का कंसीलर लिया हुआ है। ये है ऑरेंज शेड का कंसीलर, क्योंकि जिन लोगों को भी डार्क स्पॉट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को ऑरेंज शेड का ही कंसीलर लगाना जरूरी है। सो कुछ इस तरीके का ही कंसीलर मिलता है, और ये देखिए गाइज। बट गाइज जब मैंने इसे देखा, जब मैंने इसको परचेज किया तब तो मुझे ये ऑरेंज कलर में दिखा, बट जैसे मैंने अभी जब मेरे को रिसीव हुआ तो उसके बाद जब मैंने इसे चेक किया तो ये थोड़ा मुझे ब्राउनी कलर सा लगा। तो मैंने वहां पे मतलब लिखा भी साइट पे जहां से मैंने इसे लिया था वहां पे लिखा भी कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे गलत आ गया है, ये येलो कलर नहीं मतलब ऑरेंज कलर नहीं है जो मुझे चाहिए था। बट वहां से मुझे रिप्लाई ये आया कि ये ऑरेंज ही कलर है। तो फिर मैंने काफी सारी वीडियोज भी देखी जहां पे लोगों ने ऑरेंज कलर का मंगाया था बट शेड उनको यही मिला था। बट मुझे लगा कि शायद ऑरेंज कलर मंगाया तो ऑरेंज ही मिलेगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, पूरा ऑरेंज नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद गाइस ये मुझे लेमन प्री श्योर टॉयलेट सीट स्प्रे सैनिटाइज विद नीम एक्सट्रेस, ये भी मुझे वहां से मतलब इतने सारे मैंने सामान परचेज किए तो ये मुझे वहां से गिफ्टेड मिला हुआ है। ये चीज रखना तो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग किसी मॉल ऑफिस या फिर हम कहीं भी जाते हैं और हम कोई अदर मतलब अपने घर से अदर बाहर का वॉशरूम यूज करती हैं तो जब भी हम टॉयलेट सीट बैठते हैं तो हमें हमारे पास ये सैनिटाइजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आप लोग को पता है जो पब्लिक टॉयलेट होता है उसमें काफी ज्यादा मतलब काफी लोग यूज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से अगर हम लोग भी उसे यूज करते हैं तो हमें हार्म हो सकता है। इस वजह से अगर आप लोग भी बाहर की टॉयलेट यूज करते हैं या फिर आप लोग जॉब मॉल वॉल खूब जाते हैं तो आप लोग भी अपने पास इस सैनिटाइजर को जरूर रखें। सो ये सैनिटाइजर मुझे वहां से गिफ्टेड मिला हुआ है, फ्री का है, इसके मैंने पैसे नहीं दिए। सो एक ये है। उसके बाद गाइस अगली चीज जो मैंने मंगाई हुई है ये है रोज हिप का स्किन वाइटनिंग फेस मास्क। ये देखिए 60 ग्राम का ये फेस मास्क और बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को जल्दी ही दूंगी, अभी मैं यहाँ पर रिव्यू आपको एक किसी भी चीज का नहीं देने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। और टाइट है लगा हुआ, ये देख रहे हो सारा तो इस पे चिपक गया। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये फेस मास्क है, इसकी भी मुझे काफी जरूरत थी तो इस वजह से मैंने इसे अपने लिए मंगा लिया। ये मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिल गया था वहां पे। उसके बाद गाइज मैंने ये मंगाया है गुड वाइफ का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये देखिए इसकी भी काफी ज्यादा जरूरत हो जाती है गाइज, क्योंकि गाइज ये एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो हमारे स्किन हेयर हमारी पूरी बॉडी में मतलब यूज हो सकता है। ये हमारे बालों से डैंड्रफ को हटाता है, हमारे बालों को सॉफ्ट शाइनी बनाता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा
अच्छा कर देता है, ग्लोविंग हमारे फेस पे लिए आता है। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ना, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और ज्यादातर लोग इसका यूज अगर हम कोई DIY चीज बना रहे हैं तो उसमें करते हैं, तो इस वजह से मुझे भी इसकी जरूरत थी तो मैंने ये अपने लिए मंगा लिया है। और कुछ देखिए आप लोग, कुछ इस पैकेजिंग में ये आता है और बहुत अच्छा, मतलब इसकी जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, 10 ml का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 ml का मैंने ये लिया हुआ है। इसका प्राइस थोड़ा मुझे ज्यादा लगा, तो कुछ इस तरीके से ये देखिए, कुछ इस तरीके की बॉटल में हमें ये मिलता है। और उसके साथ एक ये ड्रॉपर भी इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए ड्रॉपर, इसकी हेल्प से हम इस तेल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज मैंने एक स्पॉन्जर भी मंगाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी का है, इसके कंपनी का नाम ये है AY मिरेकल कॉम्प्लेक्शन स्पॉन्ज, तो ये भी काफी अच्छी कंपनी का है। और इसका प्राइस गाइस आप लोग देखोगे ना, देखो आपको बिलीव नहीं होगा, इसका प्राइस देखो आप लोग पहले, 599 rupees, बिलीव हो रहा है आपको, 599, यानी कि 600 rupees का ये ब्यूटी ब्लेंडर मिलता है। बट मुझे ये काफी अच्छी प्राइस में मिल गया था, ऑफर चल रहा था, इस वजह से मैंने इसे अपने लिए ले लिया है। 200-250 rupees के आसपास मुझे ये पड़ा और बहुत अच्छा है गाइस। जो मेरे पास था ब्यूटी ब्लेंडर वो थोड़ा सा मतलब खराब हो गया था, तो ये देखिए आप लोग कुछ इस तरीके का, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो एक मैंने ये लिया हुआ अपने लिए। अगली चीज जो मैंने ली हुई है वो है बेला वॉस्ट का सिंदूर, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि आजकल मार्केट बहुत कम जाते हैं, क्योंकि कोरोना टाइम की वजह से जा ही नहीं पाते हैं, जाती तो क्यों नहीं हूँ बट बहुत कम जाती हूँ, बट कॉस्मेटिक सामान वाली जगह में बहुत कम ही जाती हूँ मैं, तो मैंने ये ऑनलाइन ही अपने लिए मंगा लिया है सिंदूर। पहली बार ही ऑनलाइन मैं सिंदूर मंगा रही हूँ, देखती हूँ किस तरीके का ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने जब इसके रिव्यू पढ़े, इसके बारे में पढ़ा तो काफी अच्छे इसके रिव्यू भी आए थे, इस वजह से मैंने इसे अपने लिए लिया है। रेड कलर का है और ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा इजी प्राइस पे मिल गया था, तो ये लिया हुआ नेक्स्ट मैंने। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिया हुआ बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, NYV का आई शेडो, ये अभी अभी पर्पल ने लॉन्च किए हुए हैं, इसमें काफी सारे शेड आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है और इस तरीके से हमने इसे पुश करना है और अंदर से इसका ये निकल जाएगा, कवर निकल गया और ये निकल गया, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा। और ये इसका जो नेट वेट है वो है 1.2 ग्राम, ज्यादा नहीं है बड़ा, 1.2 ग्राम है और इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। शो काफी अच्छा ये आई शेडो है, कुछ इस तरीके का है, इसमें आप लोग को ज्यादा कलर नहीं मिलेंगे, ओनली वन कलर मिलेगा। तो ये देखिए ये हल्का सा, ज्यादा पिंकी कलर नहीं है, हल्का सॉफ्ट वाला, जो मतलब एक अलग सा शाइन वाला पिंक कलर होता है ना, वो वाला कलर है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसलिए मैंने ये अपने लिए लिया। इसको लाने का मेरा मकसद ये था कि जब भी मेरे को इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया, तो आई मेकअप करने में आपको पता ही है, अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको पता है आई मेकअप करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक ऐसा कलर है ना, ये देखिए इसको, तो इसको लगा के इसको थोड़ा सा आप लोगों ने लेना और अपने आंखों के आसपास लगा देना और इतना अच्छा, मतलब आपको और कलर लगाने की जरूरत ही नहीं आई पे, मतलब ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, बस इसको थोड़ा सा लो और अपने आंखों पे लगा दो, बहुत अच्छा आई मेकअप हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा ये देखो लगा के भी दिखाती हूँ अच्छे से, देखो देखो दिख रहा है ना गाइस, बहुत अच्छा मुझे लगा। और अभी अभी ये लॉन्च हुए हैं पर्पल ने, अभी अभी कुछ दिन पहले ही इनको लॉन्च किया हुआ है, सो मैंने ज्यादा नहीं मंगाए, बस पहले अभी एक ही मंगाया, देखते हैं इसको ट्राई करके अच्छा लगेगा। वैसे तो मुझे इसकी पैकेजिंग और इसको ऐसे ही जब मैंने ट्राई किया तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट अब जब मैं इसको ट्राई करूंगी तब मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसा ये है। सो फाइनली गाइज इतने ही सारे प्रोडक्ट मैंने पर्पल से अपने लिए मंगाए थे, काफ़ी दिन पहले मुझे रिसीव हो गए थे बट मैं हॉल वीडियो नहीं बना पाई, सो आज मुझे टाइम मिला और आज मैंने हॉल वीडियो बना डाली। सो आई होप गाइज कि अगर आप लोगों को भी ये चीज़ें लेनी हो अपने लिए तो आप लोग इन चीज़ों को इजी तरीके से ले सकते हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग पर्पल की वेबसाइट पर जाके इन चीज़ों को लो, आप लोग किसी भी वेबसाइट पर जाके इन चीज़ों को ले सकते हैं। और ये चीज़ें अगर हम मेकअप करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें, और छोटी मोटी जो मैंने ली हैं जैसे अपने बालों से रिलेटिव और काफ़ी ज़्यादा आधा से ज़्यादा चीज़ें तो मेरी मेकअप की ही इसमें है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमें ज़रूरी है मतलब मेकअप करने के लिए तो वही चीज़ें मैंने ली हुई हैं। अगर आप लोगों को भी इनमें से कोई भी चीज़ लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, बट
आप लोग ये मत बोलना कि मैंने लिंक नहीं भेजा है, मैं लिंक आप लोगों को नहीं दूंगी। आप लोग इन प्रोडक्ट को देख के ही आप लोग ले सकते हैं पर्पल से लो या फिर आप लोग अदर वेबसाइट से लो। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी हॉल वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।